कौन सी हॉस्पिटल के बाहर हमको बुलाया है, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे कुछ आपकी मनीष जोशी सर से बात हुई थी, क्या जानकारी देंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 दिन की भूख हड़ताल जो ये हॉस्पिटल के बाहर चली थी और आखिर में चांद रात जिस दिन थी और हमारा 9वां दिन था भूख हड़ताल का, उस वक्त थाने महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बताया था कि जिस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप यहाँ पर बैठे हो, हम इसके ऊपर अब काम करेंगे और किस तरीके से सरकारी तौर पर इसको चलाया जाए इसके ऊपर बात होगी। तो और कुछ जो जो चीज़ें, यानी जो जो फैकल्टी जो जो इसके अंदर नहीं आती थी स्कीम, क्योंकि ये स्कीम बेसिस चलने वाला था, और जो लोग इससे महरूम रह जाते थे, वंचित रह जाते थे, तो उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचेगा, हमने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए बहुत दिल के मेरे करीब था, क्योंकि हर और मुमरा में जो है सबसे पहले बात तो उन्हें डिलीवरी के लिए जो औरतें माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी आने लगी है। अब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ठीक है, तो यहाँ पर उनका काम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको कलवा जाना पड़ता था। तो बहुत खुशी की बात सभी के लिए ये है कि अब जो है यहाँ पर OT स्टार्ट हो रहा है और मैंने खुद अपने हाथ से इसके प्रोसीजर्स किए हैं। 1.55 करोड़ का जो है वो सेंक्शन हुआ है यहाँ पर प्रोजेक्ट, और अभी OT जो है इंशाल्लाह 15-20 दिन में जो है यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो अब मुमरा के जो महिलाएं हैं, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको कलवा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा मुद्दा मुझे ये सुनने में आया था, जो हम लोगों ने वहाँ पर मांग रखी थी कि सोनोग्राफी के लिए हमारे पास जो है वो फीमेल रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी माँ बहनें कैसे, हर एक औरत की एक प्राइवेसी होती है, वो चाहती है कि अगर कोई औरत रहे तो वो उसको ट्रीट करे। तो हम लोगों ने यहाँ पर फीमेल रेडियोलॉजिस्ट की मांग की थी, जो कि सेंक्शन हो चुकी है और फीमेल रेडियोलॉजिस्ट अभी यहाँ पर काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। और मैं जैसे कि आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये भी बताया था कि ऐसे बहुत फैकल्टी रहेगी, ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो स्कीम में जो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो उन लोगों का क्या? अगर मेरा इलाज हो रहा है, मेरे पड़ोसी का इलाज नहीं हो रहा है, मेरे दूसरे घर वालों का इलाज नहीं हो रहा है, तो वो लोग इस हॉस्पिटल का कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे? तो उन लोगों ने हमारे सामने एक जो है ना एक ऑफ़र या एक स्कीम बताई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि CGHC यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के हिसाब से जो उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, यानी जो उस स्कीम में नहीं बैठेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रेट है हर चीज़ को लेके, उसके हिसाब से जो है वो उनका इलाज किया जाएगा। तो हम लोगों ने उसके ऊपर जो है ना अपना ऑब्जेक्शन जताया है, क्योंकि कैसा है वहाँ पर कि अभी यहाँ पर हमारा कुछ भी अगर काम होता है कुछ भी, तो हम एक 10 रुपये की पावती लेते हैं और 20-30 रुपये की दवा ले लेते हैं, तो हमारे 40-50 रुपये में काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो ये जो CGHC के रेट पे होने वाला है, यहाँ पर जो है इनकी OPD स्टार्ट होती है 150 रुपये से, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग OPD चार्जेस है, जिसके लिए हमने अपना विरोध जताया है कि हर कोई जो है ये OPD चार्जेस है, यही आप देख लो, तो मान लो फिर आगे कोई सर्जरी होगी जिसमें मैं अगर एलिजिबल नहीं हूँ तो मुझे तो हर सर्जरी के पैसे देने पड़ेंगे, फिर डॉक्टर सर्विस के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, मेडिसिन के लिए भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हमको ऐसा हॉस्पिटल नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन जताया। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर ये लोग, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है किसी ना किसी के सपोर्ट से ही काम कर, हो सकता है ये लोग टेंडर भी आगे बढ़ाए, हो सकता है, अब तक जो नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों ने बोला कि जब तक टेंडर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोग पूरी चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारी तरफ से विरोध जताया है, हमने अपना उन लोगों को ये भी दिया, सजेशन भी दिया कि इसको हम लोगों को कैसे चलाना है, प्योर सरकारी, नहीं चाहिए आपकी कोई स्कीम, कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ सरकारी चाहिए, और अगर बड़ी बड़ी जो सर्जरीज होती है वो आप जो स्कीम में डालिए, क्योंकि स्कीम में वो जो है मुफ्त में होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर बात करी। और सबसे बुरी बात मुझे ये समझ में आई कि अभी देखिए, मैं आपको बता दूँ, इस बार थाने महानगर पालिका का जो बजट निकला है वो 4,200 करोड़ का है, पिछली बार 3,500 करोड़ का था, तकरीबन 1,000 करोड़, मतलब ज़्यादा पैसे इस बार आए हुए। हमने जब कमिश्नर साहब से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए हेल्थ के लिए, हमारे पास हेल्थ के लिए भरपूर पैसे, हम हेल्थ को जो है हमेशा प्राइमरी फोकस रखते हैं हम लोग उसके ऊपर। अब मैं आपको बता दूँ, दीवा में सरकारी हॉस्पिटल बनने के लिए तैयार हो गया है, ज़मीनें वगैरह मिल गई है वहाँ पर, दीवा में हॉस्पिटल बनना शुरू हो रहा है। कलवा में जो शिवाजी हॉस्पिटल था वो 500 बेड का था, उसको 1,000 बेड का कर रहे हो आप। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, थाना में ऑलरेडी 2 सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद जुपिटर हॉस्पिटल के बाजू में पार्किंग प्लाजा है 11 माले का, जो TMC का सबसे वेस्ट प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि किसी ने वहाँ पर पार्किंग नहीं की, ठीक है, तो वो बहुत 4-5 सालों से ऐसी बंद पड़ा हुआ था। तो इस बार बजट में ऐसा आया है कि उस पार्किंग प्लाजा को हम जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तब्दील करेंगे, यानी वो 11 माले का 1100 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके पास दीवा के लिए पैसा है, आपके पास कलवा के लिए पैसा है, आपके पास थाना के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास मुमरा के लिए पैसा नहीं है।
अब मैं ये इसका सारा जो मैं इसकी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र अवार्ड, वो ये कलवा मुमरा के जो है वो विधायक है। आप कलवा के लिए प्रोजेक्ट पास करने के लिए उनकी मदद कर रहे हो, क्योंकि सारे कॉरपोरेटर यहाँ के जितने भी अठरा नाकारा कॉरपोरेटर ये उनके मार्गदर्शन में ही काम करते हैं और उन्हीं के दबाव में काम करते हैं। तो आप कलवा के लिए प्रोजेक्ट पास करवा सकते हो, लेकिन आप मुमरा के लिए क्यों नहीं करवा सकते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी आप इसमें साफ साफ मुझे मतलब यहाँ पर दिख कर आ रहा है कि पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है उसका असर कहीं ना कहीं अब मुमरा तक भी पहुँच चुका है। आप मुमरा वालों को किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं देना चाहते हो। अरे मुमरा वालों को अब जागने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि तलवार और कुछ लेके आप जंग कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो तो ही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है। जान माल की तो ये अलग बात है, लेकिन आज देखिए आपको सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। दूसरे एरिया में आप अच्छा ये बताइए, जितेंद्र अवार्ड जो है वो कलवा के भी विधायक है, मुमरा के भी विधायक है, तो कलवा में फैसिलिटीज मिलती है, मुमरा में क्यों नहीं मिल रही है? अभी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ टोरेंट की। क्यों टोरेंट ऑफिस में जो दावत ऑफिस के बाहर जो दावत बैंकवेट के नीचे जो टोरेंट ऑफिस है वहाँ पर हर बार 200-250 लोगों को टोकन मिलता है उनकी प्रॉब्लम के लिए, या तो बिल का या पीडी का या विजिलेंस का, किसी ना किसी प्रॉब्लम से हमारी वहाँ माँ बहनें बुरके वाली जो डाई टोपी में हमारे बाप भाई ये सब वहाँ पर रहते हैं, सबको यहाँ पर तकलीफ है। लेकिन कलवा का ऑफिस क्यों खाली रहता है, क्यों दीवा वाले आते नहीं है यहाँ पर, क्यों दीवा वाले सेटिस्फाइड है? क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है कि भाई कलवा वालों को जो है आप जो वहाँ पर ऑफिसर लोगों को बोल देंगे उनको थोड़ा आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, क्यों वहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं रहती? किसी दिन आप ऐसे रैंडमली चले जाओ, कलवा क्यों ऑफिस खाली रहता है, क्यों मुमरा ऑफिस मुमरा का टोरेंट ऑफिस भरा हुआ होता है? तो ये इससे आपकी आरएसएस की मानसिकता जाहिर होती है कि आप जो है सबसे पहले तो विधायक हो कि आप कुछ काम कर नहीं रहे हो, जो काम करने के लिए खड़ा भी होता है। इस हॉस्पिटल को 13 साल से अगर ये चालू होने वाला था, अगर कोई इसको बचाने के लिए आज खड़ा भी हो रहा था तो आपने उसको सीधा पाकिस्तानी या जिन्ना की पोती करार कर दिया, किस हक से आपने बोल दिया ये चीज़? यानी इससे आपको साबित होता है कि आप जो है वो आरएसएस की मानसिकता रखते हो, आप जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। इसलिए हमने कहा था कि बाहर के लोगों को अपने अपने शहरों में राज करने नहीं देना चाहिए, जब वो बाहर के लोग आएंगे तो इसी तरीके की राजनीति होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बस आखिर में मैं यही बोलूँगी कि हम लोग जो है वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि जब फर्स्ट टाइम मुझे इसकी प्राइवेटाइजेशन की खबर मिली थी तो हम लोगों ने अपना मुस्लिम लीग ने जो है वो उसका काम जो है वो चालू कर दिया था। 9 दिन हम भूख हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल पे रहने की वजह से ही आज इन्होंने अपने टेंडर को जो है वो चेंज किया था कि हाँ हम लोग प्राइवेट को ना देते हम इसको सरकारी चलाने की बात करेंगे। तो हम ये वादा करते हैं मुमरा वालों से कि आखिर तक जब तक इसको सरकारी नहीं होने पूरी तरीके से चालू नहीं करवाएंगे तब तक हम सुकून की सांस नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया।